नाउ फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स ये जो गिवन टर्म है आपको क्या करना है उसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है. ओके फैक्टराइजेशन मीन्स उसका डिफरेंट फैक्टर्स निकालना है आपको डिफरेंट पार्ट्स निकालना है. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी स्प्लिटेड इंटू टू पार्ट्स. हियर यू कैन सी फर्स्ट विल बी ए प्लस बी. ओके एंड सेकेंड विल बी ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिस सेट 6.2 इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. आपको क्या करना रहेगा एक कॉमन एक इक्वेशन रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ओके ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन रहेगी. आपको उसमें ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है राइट. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका इक्वेशन ऐसा रह सकता है 8 + x³. इट मे बी योर इक्वेशन. अब इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो ए फर्स्ट टर्म क्या है ए क्यूब मतलब 8 किसी भी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है राइट. तो किसका क्यूब है 8 इज द क्यूब ऑफ 2. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस 2³ राइट 2³ एंड x³ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. वैल्यू ऑफ ए इज वॉट 2. वैल्यू ऑफ बी इज वॉट एक्स राइट. तो अब ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू x है. तो वो दोनों वैल्यू क्या कर दोगे आप सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दोगे. मतलब फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस बी मतलब 2 + x इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए 2² माइनस 2x प्लस x² समझ में आ गया. सो इट्स वेरी सिंपल 6.2 इज वेरी सिंपल जस्ट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ओके गॉट इट. नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है सॉल्व्ड एग्जाम्पल. वो चेक करेंगे पहले वो सॉल्व करेंगे उसके बाद में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगी. ओके नाउ वट इज गिवन हियर x² प्लस 27y³. अब मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा आपका कि a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करो. आप क्या करोगे a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे. सो हियर द वैल्यू ऑफ a इज वॉट x राइट. फर्स्ट टर्म x³ है ना मतलब a क्यूब है मतलब a की वैल्यू क्या है सिंपली x है. अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपको x पता है. अब b की वैल्यू ऑब्टेन करना है. b इज ऑल्सो द क्यूब टर्म. b भी क्या है क्यूब टर्म. यहाँ पे क्या है 27y³. तो y तो हमको पता है ऑलरेडी बट 27 किसका क्यूब है इट इज द क्यूब ऑफ 3 राइट. 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3. इट मीन्स आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जिसका जो किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर की क्यूब है मतलब जो गिवन है उसका क्यूब है. x क्यूब का क्यूब रूट क्या है x. 27y³ का क्यूब रूट क्या है 3y. सिंपल है. अब a और b की वैल्यू पता चल गई सिंपली फॉर्मूले में आप ये पुट करोगे सब्सटीट्यूट करोगे. मीन्स फॉर्मूला क्या आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट. नाउ लेट अस सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज गिवन हियर इन द फर्स्ट वन x³ प्लस 64y² ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन 64y³ है. ओके सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 6.2. ओके क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन x³ प्लस 64y³. x³ प्लस 64y³. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फर्स्ट राइट. x³ तो x³ में आप क्या करोगे ए की वैल्यू क्या है x है राइट. मींस x³ किसका क्यूब है x का. सो यू विल राइट हियर x. देन 64y³ तो 64y³ में दो चीजें हैं. एक तो आपका कोएफिशिएंट है 64 एंड देन वेरिएबल y. तो y किसका क्यूब है y³ y का. तो यहाँ पे आप y लिखोगे ना 64 का आपको क्या करना है क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना है. सो 64 किस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है
यू नो फोर का है, राइट? फोर फोर सा 16, 16 फोर सा 64, सो यू विल राइट हियर 4. अंडरस्टूड? इट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज ऑप्टेन करना है. एंड हाउ यू विल ऑप्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यू विल टेक द क्यूब रूट ऑफ द गिवन टर्म्स. फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट ऑप्टेन क्या अगर आप करोगे, राइट? क्यूब रूट अगर लोगे तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होकर आपको एक्स मिलेगा, राइट? देन उसके बाद आप सेकेंड टर्म का क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज वॉट 4, एंड क्यूब रूट ऑफ वाई क्यूब इज वॉट वाई. सो हियर यू गॉट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी की वैल्यू मिलेगी, ए इज वॉट एक्स एंड बी इज वॉट 4y. ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू क्या है 4y. ओके, नाउ now you will put it in the formula, a plus a cube plus b cube, that is x cube plus 64 y cube. On off ho raha abhi, on is equals to x cube plus 64 y cube is equal to what. अब सबसे पहला टर्म क्या रहेगा, नाउ सी द फॉर्मूला, ए प्लस बी. इट मीन्स आप क्या करोगे, ए और बी को ऐड करोगे. ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू 4y, सो x प्लस 4y इनटू ए स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, x, सो हियर x स्क्वायर माइनस ए इनटू बी, मतलब x इनटू 4y, x इनटू 4y प्लस बी स्क्वायर. बी की वैल्यू क्या है 4y, इट मीन्स 4y स्क्वायर. गॉट इट? नाउ अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप, x cube plus 64y cube will be equal to x plus 4y as it is rahega, it can't be simplified further. Next x square will be as it is minus x into 4y means what, aapko kya karna hai, multiply karna hai, so it will become 4xy plus, ab 4y square ka aapko kya karna hai, 4y ka square lena hai, to 4 ka square kya ho jayega 16, and y ka square y raised to 2. So now it's the final answer. Okay, yahi final answer hai. Aapko kya karna tha, x प्लस 4y, यहाँ पे आपने पुट करे x और a और b की वैल्यू, देन a की वैल्यू x है तो आपने यहाँ पे क्या लिखे a स्क्वायर, देन माइनस a इंटू b, a की वैल्यू 4 है सॉरी x है और b की वैल्यू क्या है 4y, तो आपने उसको क्या करे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे 4xy, देन प्लस 4y स्क्वायर मीन 16y स्क्वायर. ओके, सो इट्स द फाइनल आंसर. ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब. ओके, अगेन इट्स वेरी सिंपल, आपको a और b की वैल्यूज चेक करना है. ठीक है, तो a के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट लोगे, सो क्यूब रूट ऑफ 125 k. तो k का क्या हो जाएगा, k क्यूब का k हो जाएगा. 125 किसका क्यूब है, 5 का, राइट? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 125 मिलता है, राइट? इट मीन्स a की वैल्यू क्या है सिंपली 5k. देन b की वैल्यू क्या आ रहेगी, क्यूब रूट ऑफ 27 m क्यूब. इट मीन्स 27 किसका क्यूब है, 3 का, m क्यूब किसका है, m का, राइट? सो a की वैल्यू 5k है और b की वैल्यू 3m है. गॉट इट? सो आई विल राइट हियर a एंड b की वैल्यूज. a की वैल्यू है 5k, वैल्यू ऑफ b इज 3m. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 125k क्यूब मींस a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 27m क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 5k प्लस b, b की वैल्यू क्या है 3m इनटू a स्क्वायर, a स्क्वायर इज व्हाट 5k का स्क्वायर, राइट? तो आप क्या करोगे 5k स्क्वायर लिखोगे माइनस a इंटू b, a की वैल्यू 5k है, b की वैल्यू 3m इंटू b स्क्वायर मीन्स 3m का स्क्वायर. अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, मतलब जहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ स्क्वायर ले सकते हो वहाँ स्क्वायर लेना है. ओके, सो 5k प्लस 3m तो एज इट इज रहेगा, राइट? नाउ 5k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
के का स्क्वायर के रेस टू, ठीक, माइनस 5 × 3। अब आप क्या करोगे जब यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, सो रिमेंबर वन थिंग, आप हमेशा क्या करोगे, जो नंबर्स है वो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और जो वेरिएबल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 5 × 3 = 15 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इंटू एम, गॉट इट, प्लस 3m² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 है, m का स्क्वायर m रेस टू 2, सो हियर इट्स फाइनल आंसर 25k² माइनस 15km प्लस 9m². ओके, सो इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ दिस 125k³ प्लस 27m³ इज व्हाट, 5k प्लस 3m इनटू 25k² माइनस 15km प्लस 9m² मीन्स इसको हम लोग क्या करें, दो पार्ट्स में स्प्लिट करें, गॉट इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो इसके पहले जो कर रहे थे वो थर्ड था, ओके, बाय मिस्टेक मैंने वो कराई आपको फर्स्ट, अभी ये सेकेंड है। 125 PQ प्लस q रेस टू 3, सॉरी। नाउ a की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली 125 किसका क्यूब है, 5 का, एंड p किसका है, यहाँ पे p लिखोगे आप, राइट, p क्यूब इज द क्यूब ऑफ p। नाउ q क्यूब सिंपल है, क्यूब, सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 5p, b की वैल्यू q। अब इस पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सो 125 PQ प्लस q³ विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 5p, प्लस b की वैल्यू क्या है, q, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 5p प्लस q इनटू a स्क्वायर मींस 5p स्क्वायर, राइट, माइनस a इनटू b मतलब 5p इनटू q प्लस b स्क्वायर, राइट। सो हियर अब नेक्स्ट है, आप क्या करोगे, 5p प्लस q को एज इट इज रखोगे, अब 5p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p रेस टू 2 माइनस 5p और q को मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बिकम 5pq प्लस q का स्क्वायर q रेस टू 2, राइट, सो इट्स योर फाइनल आंसर। इट मींस फैक्टर्स ऑफ 125 PQ प्लस q³ इज व्हाट, 5p प्लस q इंटू 25p² माइनस 5pq प्लस q², ओके, गॉट इट। सो इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 2, सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस सेट 6.2 का, नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ से कंटिन्यू करेंगे, ओके।